तुम बदतमीज, ये क्या कर दिया तुमने? मैं जानती थी तुम्हारे इरादे साफ नहीं है। पागल हो गई हो क्या तुम? मैं जानबूझकर तुम्हारी ये क्यों फाड़ूंगा कुर्ती? दूर रहो। तुम मुझे अब इतना बुरा आदमी समझती हो तो देखो अब मैं क्या करता हूँ। पंडित के बेटे हो ना तुम, और मेरी इज्जत पे मैं डालूंगा तुम्हारी इज्जत पर हाथ। तू पत्नी से प्यार तो हर कोई करता है, लेकिन अपनी पत्नी का सम्मान हर कोई नहीं करता है। ये सीख मिली है मुझे पंडितों के घर से। मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत से कीमती गहना मेरे लिए इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे। इतना कुछ कह दिया मैंने इन्हें, इन्हें जान से मारने की धमकियां दी, फिर भी इन्हें मेरी आबरू की कितनी फिक्र है। इस बार इन्हें गलत समझने के लिए मुझे इससे माफी मांगनी चाहिए। ए, कौन है अंदर? चोर! चोरी करने के लिए इन्हें रानी पद्मा का ही घर मिला था। युवराज अंकुश 2 दिन के लिए बाहर क्या गए? ये चोर घर में घुस के आराम से बस गए हैं। चोर? कौन सा चोर? छोड़ेंगे नहीं इन कमीनों को, नहीं छोड़ेंगे। चलो ये चोर हैं। चोर? महल के अंदर आवाज सुनते ही समझ गया था, जरूर अंदर चोर घुसे हैं। तुम दोनों जानते भी हो ये रानी पद्मा का महल है, देवी की तरह पूछते हैं उन्हें, और तुम दोनों ने महल में चोरी की। तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। ए, रुक रुक, खबरदार, अगर किसी ने चाहत को हाथ भी लगाया तो। हमने कोई चोरी नहीं की है, पत्नी है मेरी। ये देखो इसके माथे में सिंदूर है। सिंदूर? ये कैसे लग गया? चलो माना तुम दोनों पति पत्नी हो, लेकिन तुम दोनों यहाँ रानी पद्मा के महल में क्या कर रहे हो? अरे भाई, मोहब्बत के हाथों मजबूर हैं, समझा करो तुम। पैसे वैसे थे नहीं हमारे पास, और घर में बहुत छोटी जगह है तो रोमांस करने का मौका मिलता ही नहीं है। हमें ये रानी महल दिख गया, यहाँ आ गए हम हनीमून मनाने के लिए। और देखो यार, सबूत भी है, टूटा हुआ पलंग। हाँ हाँ, वैसे सही कह रहे हैं ये। तुम दोनों को हनीमून मनाने के लिए हमारी पूजनीय रानी का ही महल मिला था। निकलो, बाहर निकलो यहाँ से। हाँ, हमारा हो गया है, हम बस जा रहे हैं। डार्लिंग, डार्लिंग, चलें? हम चलते हैं। चलो। रुको! झूठ बोल रहा है ये आदमी। ये इसकी पत्नी कैसे हो सकती है? ये देखो, ये तो लापता है। इसका नाम चाहत बेग है। चाहत बेग मतलब मुसलमान। इस आदमी के माथे पर तिलक भी लगा है। ये लड़की इसकी पत्नी तो हो ही नहीं सकती। इसको पकड़ने के लिए 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। मतलब इनाम के लालच में इसने इस लड़की का अपहरण किया है। अरे, अरे, क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए इन्हें। और मारो इसे। अरे पागल हो गया। अरे सुन मेरी बात, तेरी पत्नी है ये, तू पागल हो गया क्या? अरे छोड़िए, छोड़िए उन्हें, छोड़िए, छोड़िए उन्हें।
मैंने कहा छोड़ो इन्हें, दूर दूर हो जाइए। खबरदार जो किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो दूर हो जाओ। हे शिब्बू, रानी पद्मा की तलवार, अरे ये क्या कर दिया तूने छुआरी, आज तक किसी ने रानी पद्मा की तलवार को हाथ नहीं लगाया। इसके लिए तुझे सजा मिलेगी, दे तलवार दे दे। दूर रहिए। तलवार दे। दूर रहिए। अरे क्यों रहिए, तलवार छोड़िए। छोड़ 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 इसको, छोड़ तलवार। हमारे मुखिया के पास चलकर तुम्हारा इंसाफ होगा। पहले इन्हें हॉस्पिटल ले जाना, इनकी जान जा सकती है। जब तक इस तलवार को छूने की सजा तुम्हें नहीं मिल जाती, तब तक इस आदमी को यहाँ से कोई नहीं उठाएगा। पकड़ो इसको, ले चलो इस लड़की को मुखिया जी के पास। नील, नील। तोड़िए मुझे। चाहत, हे भोलेनाथ, निकाले गए चाहत को। छोड़ो मुझे। चुप, मुखिया जी, ये लड़की मुसलमान है और महल में छुपी हुई थी। इतना ही नहीं, इसने रानी पद्मा की तलवार को छूने का दुस्साहस भी किया। आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। फोन ट्राई करता हूं। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। रानी पद्मा की तलवार को छूने के लिए इस छुआरी को कठोर सजा मिलनी ही चाहिए। सजा तो इसे मिलके रहेगी। आपको मुझे जो भी सजा देनी होगी, मुझे वो सजा मंजूर होगी। लेकिन अभी मुझे नील को हॉस्पिटल लेकर जाना है, उन्हें फौरन मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है। नहीं तो वो बचेंगे नहीं। उसके बाद आप जो सजा मुझे देंगे, मुझे वो सजा मंजूर होगी। कोई भी सजा मंजूर है? जी हाँ, आप जो सजा देंगे वो मुझे मंजूर होगी। तो चलो, अकेली मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। अकेली क्यों? मैं अकेली आपके साथ आपके कमरे में क्यों आऊंगी? छोड़ो मुझे। तुम्हें कहा था ना कि तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तो अब सवाल क्यों? चलो मेरे साथ। तुम बाहर ध्यान रखो। छोड़िए मेरा हाथ। छोड़, इन लोगों के साथ अकेले मत जाओ। छोड़िए मेरा हाथ। चल मैं आ रहा हूं। देखो वहीं रुक जाओ, आगे मत आना, पूरा मेरे पास मत आना। तुम प्लीज आगे बताओ, पूरा प्लीज पूरा। चल, चल, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, मैं आ रहा हूँ। ए भोलेनाथ,
मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हर हर शिव शंकर नील कंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृग नैन छाए। वहां जाके ध्यान रखो, जाओ बाहर। चहत ए रुको, चहत अंदर कहां जा रहा है? मुखिया जी का कक्ष है ये? हाँ बे, तेरी मुखिया की ऐसी की तैसी, मेरी बीवी है अंदर। हाँ? पकड़ ले इसे। ए छोड़, ऐसे नहीं मानेगा तू, रुक। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, इन्हें आयत पढ़ने से रोकना मत। इस वक्त मेरे बच्चे की आंख के कैंसर का ऑपरेशन शहर के हॉस्पिटल में हो रहा है। हमारे गांव के एक बड़े पीर बाबा हैं, जिन्होंने कहा था कि ऑपरेशन के दौरान कोई बस आयत शिफा पढ़ता रहे। यहाँ हम में से किसी को आयत पढ़ना तो आता नहीं, इसलिए जैसे ही मुझे पता चला कि आपकी भी मुसलमान है, तो मैंने इनसे विनती की कि मेरे बच्चे के लिए आयत पढ़े। अपने छत को अंदर आयतें पढ़ने के लिए? मुझे लगा मैं खुद एक पंडित का बेटा हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। मैं महामृत्युंजय का जाप पढ़ता हूँ। हॉस्पिटल से फोन है, कहीं ऑपरेशन में कोई बाधा तो नहीं आ गई? जी जी जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। अरे मंगलू, घूर्छना लेकर आ, चाह दीदी और भैजी के लिए। हमारा शिवराम खतरे से बाहर है, ऑपरेशन सफल रहा। एक पंडित और उनकी मुसलमान पत्नी ने आज साथ मिलकर प्रार्थना की है, तो मेरे बच्चे की जान बच गई। इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है कि ईश्वर धर्म से परे है। प्लीज लेटे रहो, अभी ड्रेसिंग करनी बाकी है। जिंदा हूं मैं, चलो चोट के बहाने ही सही। कम से कम तुम्हें मेरी चिंता तो हुई। चुप, अपनी बकवास बंद करो। वो तो अच्छा है कि मुखिया जी ने मुझे ड्रेसिंग का सामान लाकर दे दिया, लेकिन एक मिनट, एक बात बताओ, तुम क्या सच में पागल वागल हो गए हो? तुम्हें किसने कहा था आगे आके लड़ाई करने को? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर? तो मैं जीऊँ या मरूँ तुम्हें फर्क पड़ता है? चिपकू, लेटे रहो, अभी ड्रेसिंग करनी है, रिलैक्स करो।
यकीन नहीं हो रहा कि ये वही आदमी है जिसने हमारा घर और हमारा हॉस्पिटल चलाया। ऐसे हो सकता है कि इसे किसी ने उकसाया हो, क्योंकि मैं इतना तो जान चुकी हूँ कि इसका दिल पानी की तरह साफ है। घर चले? मैं मुखिया जी से कहती हूँ, उनके लोग तुम्हें घर छोड़ देंगे। मुझे कुछ काम है, तुम चलो। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, मुझे एक जरूरी काम है। अरे चाहत, अचानक क्या काम आ गया इसे? चाहत का कुछ पता नहीं चला, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है जैन। न जाने वो कमबख्त नीलकंठ उसके दिमाग में क्या क्या भर रहा होगा। नीलकंठ, चाहत कहाँ है? कहाँ छुपा कर रखा चाहत को? पकड़ा गया चोर, तूने वो झूठा कॉल करवाया है ना चाहत के लिए, करेक्ट ना? थैंक यू। दुश्मन होके तूने दोस्त से बढ़कर काम किया है। तेरी वजह से मुझे चाहत के साथ अकेले में वक्त बिताने का मौका मिला। तुझे तो पता ही है ना, एक जवान लड़का एक जवान लड़की अकेले में मिलते हैं तो क्या होता है। तू नहीं बताएगा ना चाहत कहाँ है? ये लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हो इससे? जो भी हुआ उसमें नील की कोई गलती नहीं थी। चाहत तुम ठीक तो हो ना? इसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? चाहत तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी हम दोनों को। कहाँ थी तुम? मैं पुलिस स्टेशन गई थी। जो केस हमने नील के खिलाफ फाइल किया था, किसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला, वो केस मैंने वापस ले लिया है। लेकिन चाहर नहीं मिसेस बेक, किसी मासूम पर इल्जाम नहीं लगाया जाएगा, फिर वो चाहे हमारी आंखों में दुश्मनी क्यों ना। नजर तो धोखा भी खाती है ना, पर पता नहीं क्यों ये आदमी जितना भी इरिटेटिंग हो दिल से साफ है। कोई है जो बार बार नील पर इल्जाम लगाकर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और एक बार वो शख्स मेरे हाथ लग जाए तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं।